Good morning, student. Welcome back to our maths online class. Today I am starting exercise 2 and question number 1. Write the number name according to the Indian system. In our previous class, we have learned more topics like number names and write the number name and write the numerals form. But today I am starting नंबर नेम अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम. हमने लास्ट जो भी क्लास सीखी थी उसमें हमने सिंपल नंबर्स यानी जो नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं यूज़ उसका हमने नंबर नेम और न्यूमरल्स फॉर्म में राइट डाउन करना सीखा था. बट आज की क्लास में हम सीखेंगे नंबर नेम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग और जो लास्ट डिजिट है उन डिजिट्स का. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर ए. हाउ कैन वी रीड दिस नंबर, कैसे रीड करेंगे इस नंबर को. सो लेट्स स्टार्ट. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, वन थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड. टेन थाउजेंड सबसे फर्स्ट हमें कॉमास के अकॉर्डिंग इसमें पेयर बनाना है. यहाँ पे थ्री डिजिट के बाद यहाँ पे कॉमा का यूज़ हुआ है तो ये वन पेयर बन गया थ्री डिजिट्स का. देन उसके बाद टू डिजिट का पेयर बनाएंगे तो ये दोनों डिजिट कौन सी है, थाउजेंड प्लेस वाली है तो हम इसको एक साथ रीड करेंगे. ट्वेंटी सेवन कैसे रीड करेंगे इसको, ट्वेंटी सेवन, टू सेवन क्या होता है ट्वेंटी सेवन और ये थाउजेंड प्लेस वैल्यू है इसकी तो हम क्या लिखेंगे इसको, ट्वेंटी सेवन थाउजेंड. हम कैसे लिखेंगे इसको, ट्वेंटी सेवन थाउजेंड, बिकॉज इसमें थाउजेंड प्लेस में है दोनों इसलिए हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे ट्वेंटी सेवन थाउजेंड. देन उसके बाद ये क्या है, ये किस पे प्लेस वैल्यू पर है, हंड्रेड प्लेस वैल्यू पर है तो इसको कैसे लिखें बोलेंगे हम रीड करेंगे, वन हंड्रेड कैसे रीड करेंगे इसको, वन हंड्रेड, वन हंड्रेड, ट्वेंटी सेवन थाउजेंड, वन हंड्रेड. देन उसके बाद ये दोनों नंबर को एक साथ रीड करेंगे, सेवेंटी, सेवन थ्री, सेवेंटी थ्री, कैसे रीड करेंगे इसको, सेवेंटी थ्री, सेवेंटी थ्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी. वंस, टेंस, हंड्रेड, वन थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड देन वन लैख एंड टेन लैख. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, वन लैख, टेन लैख. तो इन दोनों नंबर्स को एक साथ रीड करेंगे. फोर्टी सेवन दोनों लैख में है तो फोर्टी सेवन लैख, फोर्टी, एफ ओ आर टी वाई, फोर्टी सेवन, फोर्टी सेवन लैख, फोर्टी सेवन लैख. देन उसके बाद ये क्या है, थाउजेंड प्लेस वैल्यू है तो दोनों नंबर्स को एट्टी थ्री, एट्टी थ्री थाउजेंड, एट्टी थ्री, एट्टी थ्री थाउजेंड, एट्टी थ्री थाउजेंड. देन उसके बाद थ्री जो है ये यहाँ तक हो गया, थ्री क्या है, हंड्रेड प्लस वैल्यू का है तो थ्री हंड्रेड, इसको कैसे लिखेंगे, थ्री हंड्रेड, थ्री हंड्रेड. देन उसके बाद दोनों नंबर्स को एक साथ रीड करेंगे, थ्री हंड्रेड नाइन्टी वन, नाइन्टी वन, दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी. वंस, टेंस, हंड्रेड, वन थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड वन लैख. तो दिस इज़ अ फाइव लैख, कैसे रीड करेंगे इसको, फाइव लैख, फाइव लैख, फाइव लैख. देन उसके बाद इनका इसका नंबर आएगा, ये दोनों थाउजेंड प्लेस वैल्यू पर है तो थर्टी एट थाउजेंड, थर्टी एट, थर्टी एट, थर्टी एट थाउजेंड, थर्टी एट थाउजेंड. देन इसके बाद फोर हंड्रेड, फोर हंड्रेड, फोर हंड्रेड, फोर हंड्रेड. देन उसके बाद ज़ीरो नाइन, ज़ीरो का तो कोई मीन्स ही नहीं होता, ज़ीरो को हम छोड़ देंगे एंड देन उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, नाइन, नाइन, फाइव लैख, फाइव लैख, थर्टी एट थाउजेंड, फोर हंड्रेड नाइन. So each student understand this topic, practice this question more than more, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको practice करनी है. Thank you.